दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वैभव इंटरप्राइजेज भकरेड़ी मार्केट महरे। सभी तरह के टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी वेयर व पानी की टंकियां बाजार से कम दामों में खरीदें। सबसे बड़ी महामारी जो कोरोना, जिसको कभी किसी ने आपदा ना माना था ना सोचा था, जिस टाइम वुहान के अंदर जो ये आपका कोरोना वायरस शुरू हुआ तो हम लोग इसको बहुत बहुत छोटा समझ रहे थे, लेकिन पर उस टाइम जो है मेरी समझ में आ गया था और हमने अपने विभाग में बात की कि आगे चल के बड़ा रूप लेगा और इसके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी और बाद में देखने के अंदर वही आया। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि होमगार्ड संस्था को हिमाचल के अंदर, हमारे जिले के अंदर ये पहला जिला है जहाँ पर कमांडेंट होमगार्ड को एज ए चीफ लॉजिस्टिक ऑफिसर बनाया गया, जिसके अंदर हमने सारे प्रवासी जो हमारे जितने भी बाहर के लोग थे, मजदूर थे, हमने सब उनकी हेल्प की है। जो आप लोग कभी कपिल शर्मा शो के अंदर देखते हैं कि बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े स्टार आते हैं कि हमने इनकी मदद की, हमने इनकी मदद की, उनके पास पैसा था इसलिए मदद कर पाए, हमारे पास पैसा नहीं था। हम लोगों ने दिल से, जो मेरे जवान है ना, दिल से उनकी सेवा की है, उनको पूछा है। अगर यदि नदौन से रात को कॉल आता था, सर मेरे यहाँ पे ये मुसीबत है, दूसरे दिन हमारी टीम वहाँ पहुँच के उनकी उनकी मुश्किल को दूर करती थी। कई ऐसे पेशेंट्स थे जिनके घर से रोड तक का सफर जो है मतलब वो तीन तीन चार चार घंटे का था, उनको जरूरी दवाइयाँ चाहिए थी, वहाँ पर हमारे जवान गए और वो दवाई प्रोवाइड की है। सबसे बड़ी जो मेन जो बात है कि भले ही कष्ट जरूर हुआ, लेकिन पर मेरे किसी भी जवान के चेहरे के ऊपर शिकन नहीं थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके अंदर बाद में मतलब मेरे को, आप लोगों की जानकारी के लिए, हमीरपुर के जितने भी मतलब जो आपके एनजीओ हैं उनका नोडल ऑफिसर मेरे को बनाया गया, जिसके तहत मैं नेहरू युवा केंद्र के साथ जुड़ा और रोजी के साथ जुड़ा, जिसमें बीच में शायद कुछ युवा होंगे जिनसे मेरी बात भी हुई, जिन्होंने मेरे से कॉन्टेक्ट भी किया, जिनको हमने यूटिलाइज भी किया, कहीं पर कोई समस्या आई, कोई प्रॉब्लम आई। इसमें सबसे समझने वाली चीज ये थी कि हम चीज तो तब पहुंचाएंगे जब हमारे पास होगी। जो एक कोई भी हमारे जिले के अंदर जो पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है या कोई और मेजर बीमारी का पेशेंट है, उस टाइम मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी क्योंकि पूरी मार्केट बंद थी, हर चीज बंद थी। मेडिसिन कहां से मिलेगी? चंडीगढ़ से। मेडिसिन कहां से आएगी? टांडा से, और जरूरी मेडिसिन से। जो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं जिनको हम मान सकते हैं कि मतलब कोई हाई कोर्ट के अंदर वकील हैं, कोई जो है मतलब शिमला के अंदर सेक्रेटरीट के अंदर काम कर रहे हैं, उनके भी हाथ खड़े हो चुके थे, हम कैसे मदद करेंगे। जिसके लिए मतलब हमारे को, जो हमारे पहले वाले डीसी साहब थे, उन्होंने मेरे को जब चीफ लॉजिस्टिक ऑफिसर बनाया, मैंने कहा सर आप भरोसा रखिए, हम करेंगे, हमारा विभाग करेगा, और आप बिलीव नहीं करोगे कि हमने कोऑर्डिनेट करके सबके साथ, जो यहाँ का सिस्टम था, एसडीएम साहब थे, सबके साथ कोऑर्डिनेट करके जो है वो दवाइयाँ आपकी टांडा से भी मंगवाई, वो दवाइयाँ हमने चंडीगढ़ से मंगवाई और जिनको जरूरत थी जरूरतमंद तक भी पहुँचाई। बात मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि हमने की, मैं ये बता रहा हूँ दिस इज वॉलंटियर। हम लोगों ने मेरे ख्याल से 24-24 घंटे भी काम किया है। जब किसी लड़के को किसी एक घर में दवाई पहुंचानी होती थी, नहीं पता था, पूछते भी किससे, क्योंकि लोग दरवाजे नहीं खोल रहे थे, ऐसा भी सीन था कि लड़का दवाई लेकर मेरा मेन बाजार में पहुंच चुका है, कई बार नहीं बात हो पा रही उनसे जो है। तो ऐसे ऐसे माहौल के अंदर तीन तीन चार चार घंटे पैदल चल के हमने ये कार्रवाई की है। जैसे कि हमारे मौलवी साहब ने बताया और आपने युद्ध से जानना चाहा, आप चाहते तो किसी और को जान सकते थे, क्योंकि हम जैसे कोई बोल रहे थे पीछे कि नशे के बारे में कि परेशानी होते हुए तब होता है इस तरह से, या कोई शौक के लिए या मजे के लिए नशा करता है। हमारे जो कमांडर साहब हैं ये आर्मी में भी रहे, नीचे रैंक के भी रहे, इतने बड़े अफसर रहे, और इन्होंने शराब को नहीं छुपा। कई होते हैं कि आर्मी में शराब मिलती है, सब कुछ मिलता है, तो इस तरह से साहब ने आपको अच्छी तरह से बताया। आप ये बताओ कि मेरे से क्या जानना चाहते हो, डिजास्टर के बारे में जानना चाहते हो, आपने प्रबंधन जो साहब ने बता दिया कि मॉक ड्रिल जो प्रैक्टिकल है उसके बारे में, या एडवेंचर के बारे में जो पहाड़ों पर जैसे एडवेंचर होता है उसके बारे में, मॉक ड्रिल डिजास्टर जैसे उसमें लिखे हैं।
ठीक है, हम यहाँ से चलेंगे, लेकिन अगर मैं अपनी टीम को साथ लेके आपके साथ यहाँ पे काम करूंगा तो आपको इतना समझ नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि एक टीम आपकी वहां से आए, बुलेट के राय वहां से खड़े होगी और बताता मैं जाऊंगा मैं खुद करेंगे आपके यहाँ पे। तो आ जाओ बुलेट के चार आ जाओ पहले इस बात में, और जिंदगी में कुछ एक मुकाम हासिल करने की कोशिश करूंगा। कौन है जो अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं, हाथ ऊपर करो। सोच रहे हैं आप लोग अभी भी वेरी पुअर से खाना है, और ये देखो ये जो इमारत होती है यहाँ पे यहाँ रखना है शेप बिल्कुल, और यहाँ से थोड़ा ऐसे ब्रेक कर देना है, ये देखो ये ऐसे आप सकेंगे नहीं, ऐसे 2 किलोमीटर तक भी 3 किलोमीटर तक बारी आदमी को हम आसानी से जा सकते हैं इस तरह से। उठाओ एक दूसरे को और ये ये फार्मेल लिखकर तो जब हम सीढ़ी में उतरते हैं तो इससे हम वो सीढ़ी को पकड़ सकते हैं, ये फार्मेल के द्वारा आगे पीछे से प्रणाम करके जो टीम पेट भरी के जो टीम वो दो आदमी लगा सकते हैं, ये यहाँ आगे आपको समझ लेना कैसे करना है आगे, ये भी चेंज करना होगा और पीछे आदमी भी पकड़ना होगा, तो यहाँ हड्डियां टकराएंगी और वो बेहोश हो सकता है, तो हम स्ट्रेचर को ही पूरा तैयार करके फिर इसमें ले जाएंगे। सबसे पहले स्ट्रेचर चेक करेंगे, स्ट्रेचर चेक करने का तरीका एक आदमी ऐसे लेट जाएगा फिर दूसरा लेटेगा, इससे हमें पता लग गया कि स्ट्रेचर जो हमारा मजबूत है, टूट नहीं सकता है, टांग बाएं घुटने को लगा नीचे और ये वाला दाएं घुटने क्योंकि बार बार वाली टांग उठ जाए ये वाली और इसकी परे वाली दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर डिडवी टिकर हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट हार्डवेयर प्लाईवुड टिम्बल टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें।